ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र ज़िंदगी, फिक्र ज़िंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। 14 नवंबर इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार रेडियो सौगात जेके बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारे तमाम अजीज सामईन के नाम प्यार भरा सलाम, दुआओं भरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा झूले। अजीज दोस्तों, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सबको सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे से कोविड के नए केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। आप सभी से इस्तेदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल करें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम असूलों पर अमल दरामद लाजमी है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक ने 30 सितंबर 2021 को खत्म होने वाली सहमाही नतायज का ऐलान किया है। इन नतायज का ऐलान बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में गुज़िश्ता जुम्मा मुनक़िदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हुआ। अपनी मजबूत सालाना कारकर्दगी को आगे बढ़ाते हुए जेएनके बैंक ने रवा माली साल 2021-2022 की दूसरी सहमाही यानी क्वार्टर टू के लिए 111.09 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा दर्ज किया, जो कि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान दर्ज किए गए मुनाफे से 153% ज्यादा है। नतायज की अहम झलकियां। एक मुस्बत सिमत में जाते हुए जम्मू कश्मीर बैंक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 153% इजाफे के साथ 111.09 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो माली साल 2020-21 की दूसरी सहमाही में 43.93 करोड़ रुपए था। बैंक की आमदनी 8% बढ़कर 1,184.11 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 1,93.51 करोड़ रुपए थी। इस मुद्दत के दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 943.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 973.14 करोड़ रुपए हो गई। बैंक की अदर इनकम माली साल 2020-2021 की दूसरी सहमाही के मुकाबले में 149.63 करोड़ से बढ़कर माली साल 2021-2022 की दूसरी सहमाही में 210.97 करोड़ तक पहुंची है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। बैलेंस शीट को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्रोविजनिंग में मौजूद इजाफा करके एक मजबूत बफर तैयार किया गया है और जेरिगोर समाही के दौरान प्रोविजनिंग रेशो 81.57% हो गया है, जो बैंकिंग सनत में एक बेहतरीन तनासुब माना जाता है, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान ये तनासुब 80.40% था। कारोबार में तरक्की। मुल्क भर में माशी सुस्तरवी के बावजूद जम्मू कश्मीर के यूटी में एडवांसेस और डिपॉजिट्स में ईयर ऑन ईयर बिलतरतीब 10.96% और 6.48% का इजाफा हुआ है, जबकि लद्दाख यूटी ने एडवांसेस में 20.14% और डिपॉजिट्स में 25.24% का इजाफा दर्ज किया है। ज़ेरी जायजा सेमाही के दौरान मजमूई डिपॉजिट्स 1,469.15 करोड़ से बढ़कर 1,6,267.35 करोड़ रुपए हो गए हैं, जिससे 6% का इजाफा देखने में आया है, जबकि कर्जजात तकरीबन 2% इजाफे के साथ 66,813.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 68,341.84 करोड़ रुपए हो गए हैं। ज़ेरी जायजा सेमाही के दौरान बैंक का कासा 55.34% रहा। नतायज पर तबसरा करते हुए बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने नतायज को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशा रहेगा। उन्होंने हुकूमत जम्मू कश्मीर, खासकर LG मनोज सिन्हा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने कस्टमर्स और दीगर मुतालिकीन का उनके मुसलसल ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। पेंशनर खवातीन हजरात के लिए एक अहम इतला। रवा साल 2021-22 के लिए लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने का अमल 1 नवंबर 2021 से शुरू हो गया है। पेंशनर्स की सहूलत के लिए गेजेटेड ऑफिसर्स के अलावा जेएनके बैंक के अफसरान भी तमाम किस्म के पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के मजाज हैं। बैंक से पेंशन हासिल करने वाले पेंशनर्स
बैंक के किसी भी बिजनेस यूनिट में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, चाहे इनका पेंशन अकाउंट किसी और बिजनेस यूनिट में क्यों न हो। इसके अलावा आधार कार्ड रखने वाले पेंशनर खवातीनों हजरात अपनी लाइफ सर्टिफिकेट्स जीवन प्रमाण सेंटर्स या उन बिजनेस यूनिट्स पर भी दर्ज करा सकते हैं जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के लिए नामजद किए गए होंगे। इन बिजनेस यूनिट्स के जरिए जीवन प्रमाण वेब पोर्टल का इस्तेमाल करके डिजिटल तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वादा रहे कि जो पेंशनर्स 25 नवंबर 2021 तक अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएंगे उनका नवंबर महीने का पेंशन डिसबर्स नहीं किया जाएगा। रियासत अरबशिंदे दी जरूरतें की करग पूरा जेएंड के बैंक का उकसाह ते कोई कम नहीं रोग अधूरा भरोसे दा दुगा ना जम्मू ते कश्मीर बैंक। क्या आपके पास जेएंड के बैंक डेबिट कार्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप जेके बैंक एमपे फैसिलिटी से मुस्तफीद हों? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए आपको अपनी ब्रांच पर जाना पड़ेगा जहां पर ये सहूलत एक्टिवेट की जाएगी, जिसके बाद आप बैंकिंग जरूरियात जेएंड के बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एमपे डिलाइट से पूरा कर सकते हैं। सामईन 30 सितंबर 2021 को खत्म होने वाले निस्फ साल और समाही मुदत के दौरान सालाना क्रेडिट प्लान और सरकारी स्कीमों के तहत मुतालिका महकमों के अलावा जिला में काम करने वाले बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जेएंड के बैंक ने जिला कुलगाम में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी DLRC मीटिंग का इनेकाद किया, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट IAS ने की। कोविड मुनासिब बर्ताव के उसूलों पर अमल करते हुए इस मीटिंग में ADC, CPO, DDM नबार्ड, मुतालिका महकमों के जिला अफसरान और मुख्तलिफ बैंक अफसरान ने शिरकत की। मेमरान का खैर मकदम करते हुए LGM अर्शद कादरी ने ऐवान को बताया कि 30 सितंबर 2021 को जिला में बैंकों के कुल डिपॉजिट्स 6.63% इजाफा दिखाकर 1931 करोड़ रुपए दर्ज किए गए, जबकि एडवांसेज 1760.07 करोड़ रुपए थे जो कि पिछले साल इसी मुद्दत के मुकाबले में दर्ज किए गए अरदोशुमार के मुकाबले में 12.04% ज्यादा हैं। जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 91.15% रहा, जो कि 60% के कौमी बेंचमार्क से काफी ऊपर है। 1398.24 करोड़ रुपए के जिले सालाना क्रेडिट प्लान 2021-22 के तहत बैंकों ने 30 सितंबर 2021 तक 21,053 मुस्तफिदीन को 504.38 करोड़ रुपए के कर्ज जात वागुजार किए थे और इस तरह ACP हदफ का 36% हासिल हो गया है। सेक्टरवार कामयाबियों का जायजा लेते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने बैंकों को मशवरा दिया कि वो ज़राअत, MSME, हाउसिंग और तालीम के शोबों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो जिलाई सतह की खसूसी KCC मुहिम के तहत तमाम अहल मुस्तफीदों का अहाता करने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी अमल को यकीनी बनाएं। बैंकों की पेशरफ्त को सराहते हुए DDC ने शुरका पर जोर दिया कि वो सालाना क्रेडिट प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए बराह रात फाइनेंसिंग को बेहतर करें। उन्होंने मुतालिका महकमों पर जोर दिया कि वो PMJJBY, PMSBY और APY के तहत तमाम अहल अफराद का इहाता करें। इजलास का इख्तिताम LGM के खुतबे शुक्राना के साथ हुआ। दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतालिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। वाजिया रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। सामईन, बैंक अपने सार्फीन के फायदे और आसानी के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशनल कैंपेन्स का ऐलान करता रहता है। ऐसी कैंपेन्स न सिर्फ सार्फीन के अंदर मुख्तलिफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स लेने की हौसला अफजाई करती हैं, बल्कि बैंक का अपने सार्फीन के तई अपने जज्बाती ताल्लुकात को और गहरा करने में एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ये प्रमोशनल कैंपेन्स त्योहारों के मौसम में आम लोगों के त्योहारी जरूरियात के मद्देनजर उनकी मनचाही अशिया की खरीदारी को यकीनी बनाने का दिलकश मौका फराहम करती हैं। इन्हीं जज्बात की कद्र करते हुए हम अपने सामईन को ये बताते हुए आज हद खुशी महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक ने त्योहारों के मौसम को मद्देनजर रखते हुए दिवाली बोनंजा स्पेशल फेस्टिव कैंपेन का ऐलान किया है। ये स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक रायजुल अमल रहेगी। इस ऑफर की वसादत से मिलने वाले दिलकश फवायद को हासिल करने के लिए आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा से राबता कायम करके इस स्पेशल फेस्टिव ऑफर के तहत बैंक फाइनेंस के लिए अप्लाई करके त्योहारों की खुशियों को दोबाला करें। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122 है, जिससे अब जम्मू कश्मीर बैंक के मौजूद ग्राहक अपने बैंक के साथ और आसानी से जुड़ सकते हैं। अब आप भी दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन अपने बैंक के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। इस नए नंबर से आपको कभी भी कॉल करने पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपसे इस्तेदा है कि आप इस टोल फ्री नंबर पर मयसर सहूलियात का भरपूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, यहाँ पर हम ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स अपने ताज़ा तरीन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपडेट करें। इससे आपको अपने खाते में होने वाली ट्रांजैक्शंस का बर वक्त पता चलता रहेगा। खेल शाइकिन के लिए जेके बैंक खेल खबर। श्रीनगर में खेले गए प्रीमियर डिवीजन फुटबॉल लीग के फाइनल मैच में जेके बैंक एफसी ने कश्मीर एवेंजर्स एफसी को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद हराकर टाइटल को अपने नाम किया। गो कि कश्मीर एवेंजर्स एफसी ने गेम के 8वें मिनट में गोल करके बैंक टीम पर बर्तरी हासिल की, लेकिन खेल के दूसरे हाफ में जेके बैंक एफसी ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए 2 गोल स्कोर करके मैदान मार लिया। वजह रही कि जेके बैंक एफसी ने पिछले साल भी ये खिताब अपने नाम किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हफ्ते के बाकी दिनों भी आप सुन सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग के हवाले से जेएनके बैंक ने एक और मरहला तय किया है। ये कदम माहौलियाती नुक्ते नजर से काफी अहम है। अच्छा, तो क्या है ये नया कदम? डिजिटल महाज पर होने वाली पेशरफ्त और डिजिटल चैनल्स के जरिए पेश करदा खिदमात में मुसलसल इजाफे के एक हिस्से के तौर पर क्रेडिट कार्ड के पिन जनरेशन के लिए भी ग्रीन पिन सहूलियात बढ़ा दी गई है। ये सहूलियात जेएनके बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर को अपना पिन सेट करने का अहल बनाएगा। इस फैसिलिटी को महफूज बनाने के लिए एक OTP गाहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो कि मुनासिब जगह पर एंटर करना पड़ेगा। इस सहूलत का फायदा जेएनके बैंक के किसी भी ATM से हासिल किया जा सकता है और ये पहली बार पिन जनरेट करने के साथ साथ पिन रीजेनरेशन के लिए भी दस्तियाब होगा, अगर कोई सारिफ अपना पिन भूल गया हो तो। ग्रीन पिन को कागज और वक्त की बचत के लिए ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पर मुतारिफ कराया जा रहा है। पेपरलेस बैंकिंग न सिर्फ माहौल को बचाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद फरहम करेगी, बल्कि ग्राहकों को इस सिम्त में एक नए तजुर्बे से हम आहंग कराएगी। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 7 नवंबर के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि तेजस्विनी स्कीम के लिए उम्मीदवार की उम्र की हद क्या है। आपके ऑप्शंस थे 18 से 35 साल, 28 से 35 साल या 18 से 45 साल। इस सवाल का जवाब है 18 से 35 साल। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और कुर्रांदाजी के जरिए हमारे जिन दोस्तों ने इनाम जीता है वो हैं कश्मीर डिवीजन से शाजिया जान, लाल बाजार, श्रीनगर। जम्मू डिवीजन से श्याम सिंह, राय, उधमपुर। और लद्दाख से सेरिंग ढोलकर, मुलबेक, कारगिल। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को जेएनके बैंक की तरफ से इनाम बहुत मुबारक हो। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि 30 सितंबर को खत्म होने वाली सहमाही में जेके बैंक ने कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया है। आपके ऑप्शंस हैं 111.09 करोड़, 101.09 करोड़ या 121.09 करोड़। आपके जवाब हमें 17 नवंबर 2021 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्मे यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तसव्वुर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी, रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।